को बता दें किरतनगढ़ से खबर सामने आ रही है, जलदाय विभाग पुलिस आमने सामने। यहाँ जलदाय विभाग और पुलिस आमने सामने आ चुके हैं। बिना हेलमेट और कागजात के बाइक चलाते मिले जीएन, पुलिस ने जीएन की बाइक को यहाँ पर सीज कर दिया गया है। जी हाँ, गुस्साए जीएन ने कादा थाने का नल कनेक्शन, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, पिछले 24 घंटे से थाने में नहीं आ रहा है पानी। तो कहीं ना कहीं जलदाय विभाग और इसी के साथ ही साथ पुलिसकर्मी अब आमने सामने आ चुके हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से चालान काटा गया, वहीं पर गुस्से में आकर जीएन ने जो सप्लाई होती है पानी की वही काट दिया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लीलाधर जुड़े हुए हैं। क्या अपडेट सामने आ रहा है, क्या इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं? जी सचिन, मैं बताना चाहूंगा कि जेईएन जो जलदाय विभाग के जेईएन है अशोक यादव, वो बिना हेलमेट और कागजात के बाइक पे सवार होकर कहीं जा रहे थे, तो पुलिस ने उनको रोका और कागजात दिखाने की मांग की, जिस पर उनके पास कागजात नहीं मिले, जिस पर पुलिस ने उनका चालान काट दिया। इस कार्रवाई से क्षुब्ध होकर जेईएन अशोक यादव ने देर शाम रतनगढ़ पुलिस थाना के पास स्थित तो उस जलाशय से जो पुलिस थाना परिसर और उनके क्वार्टर हैं जवानों के, जहां पानी की सप्लाई होती है, उस पाइप का संबंध विच्छेद कर दिया। जब इस संबंध में जलदाय विभाग से जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि पुलिस थाना में करीब जलदाय विभाग का 1 लाख से अधिक का बकाया चल रहा है, जो काफी दिनों से है। और वहीं पुलिस का कहना है कि जब जेईएन का चालान काटा है तो वो इस बात से खफा होकर उन्होंने ये कार्रवाई की है। दोनों ही विभाग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में तमाम जो अधिकारी है उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? जी जेईएन में सचिन आपको बताना चाहूंगा कि इस संबंध में हमने सहायक अभियंता जलदाय विभाग के रामदेव पारीख और जो एक्शन है उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन रविवार का दिन होने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई है। और वहीं अशोक जो यादव है जेईएन, उनसे बात की है कि सर ये आपने